सब्सक्राइब करें क्रेजी क्रेविंग्स चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी क्रेविंग्स। आज मैं आपके लिए एकदम हलवाई जैसी सॉफ्ट रसमलाई बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। आप इसे बहुत ही आसानी से घर पे बना सकते हैं, वो भी पैकेट वाले दूध से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है 1.5 किलो दूध और इसे हम गैस पे गर्म करने देंगे और जब इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए तब तक हमें वेट करना है। मैंने यहाँ पे काऊ मिल्क यूज़ किया है पैकेट वाला। आप चाहें तो टोन मिल्क या नॉर्मल जो घर में आपका दूध आता है, गाय का या भैंस का पैकेट वाला, कोई भी दूध आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फुल क्रीम दूध यूज़ करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है, ये देखिए। और अब मैं यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी और 2 मिनट तक का वेट करती हूँ। तो 2 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी गैस की फ्लेम है वो बंद ही है। और मैंने ये एक कटोरी में लिया है 2 नींबू का रस, और जितना नींबू का रस है उतना ही मैं डाल दूंगी इसके अंदर पानी। और नींबू और पानी जो हमारा है ये कटोरी में, इसे हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसी को थोड़ा थोड़ा करके हमें इसे दूध में डालना है ताकि दूध जो है वो फटना शुरू हो जाए। तो हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और उसके बाद हम इसको एक करछी से हिलाते भी रहेंगे ताकि जो दूध है वो हमारा फट जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा दूध है वो बिल्कुल अच्छे से फट गया है। ये देखिए, ये इसकी पहचान है कि जो इसका छेना है वो बिल्कुल अलग निकल के आ रहा है। और ये देखिए साइड में जो पानी है, ये आपको कलर में इसका दिखा देती हूँ। ये देखिए हल्का सा ग्रीन कलर का जो है पानी, ये बिल्कुल सेपरेट हो गया है। और याद रखें कि हमने जो गैस की फ्लेम थी वो बंद ही रखी थी। अगर आप उबलते हुए दूध में नींबू या सिरका अगर आप डालें उसको फाड़ने के लिए, तो उससे क्या है कि जो हमारा छेना है वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनता है, इसलिए हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दी थी। और चलिए अब हम इसे कपड़े में छान लेते हैं, कॉटन के कपड़े में। तो छेने को छानने के लिए मैंने नीचे एक बड़ा बर्तन लिया है, उस पर एक छलनी लगा के एक ये मैंने कॉटन की हैंकी यूज़ की है। आप कोई सा भी कपड़ा यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं छानने के लिए। और ये जो छेना है हमारा, जो कि अभी हमने दूध फाड़ा था, ये हम इसके अंदर डाल देंगे धीरे धीरे। तो ये जो छेना है ये हमारा पूरा छन चुका है। और आप ये देखिए, ये जो नीचे पानी बच रहा है इसको आप किसी भी अपनी ग्रेवी में, आटा गूंदने में या और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको एक दूसरे बर्तन में ले लेते हैं। ये जो छेना हमने छाना था, ये पतीली मैंने अलग निकाल के साइड में दूसरी बर्तन लगा दिया है जो कि नीचे से खाली है। और इसके पीछे एक रीज़न ये है कि अब हम इसके ऊपर डालेंगे काफ़ी सारा पानी। पानी इसलिए हम डालेंगे क्योंकि जो हमने इसके अंदर नींबू डाला था तो उसकी खटास इसके अंदर ना रहे, ताकि जब हम छेना को मैश करें, तो अगर आप ये सादा पानी इसके अंदर नहीं डालेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारी रसमलाई है वो थोड़ी खट्टी खट्टी बनेगी। तो इससे क्या है, ये जो छेना हमारा धुल जाएगा। तो पूरा पानी हम इस पर डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छे से छान लेंगे। छेना हमारा अच्छे से धुल चुका है। अब मैं इस कपड़े को ऐसे पकड़ लेती हूँ और हमें इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमें निकालना है। आप इसे निचोड़ लें अच्छे से, इस तरीके से घुमा के भी आप इसको निचोड़ सकते हैं। ये देखिए कितना पानी निकल रहा है, ये सारा पानी हमें इसे निकालना है। और आप चाहें तो इसको इस तरीके से मोड़ के आप एक नीचे से एक बर्तन लगा लें और ये जो जाली है इसके ऊपर रख देंगे हम इसको, और ऊपर से कोई प्लेट या कटोरा, भारी बर्तन आप इसके ऊपर रख सकते हैं। और इसे हम तब तक रखेंगे जब तक कि जो इसका पूरा पानी है वो निकल ना जाए। और ऐसा करने में लगभग हमें 30 से 40 मिनट लग जाएंगे। तो हमारे ये छेने का पानी पूरा निकल चुका है। आप देखिए, इसको निचोड़ने के बावजूद कोई पानी नहीं निकल रहा है। और अब हम इसे खोल लेते हैं, ये देखिए। और अब हम इसे एक थाली में या किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसे हमें अच्छे से मसलना है। और जब तक हम इसको मसलेंगे तो उससे पहले मैं एक पतीला ले लेती हूँ और इस पतीले में मैं डालूँगी 1 कटोरी चीनी, और उसके साथ ही उसमें मैं डाल दूँगी 4 कप पानी। और इसे हम गैस पर रख देंगे उबलने के लिए। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, हमें इसका एक शुगर सिरप बनाना है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा डाली है हमने। अब हम इसे गैस पर रख देते हैं उबलने के लिए और तब तक हम अपना छेना मसल लेते हैं। तो जब तक हमारा पानी उबल रहा है चीनी वाला, हम इसे मसल लेते हैं। इसे आप चाहें तो हथेली के इस पोर्शन से भी मसल सकते हैं, क्योंकि जितने अच्छे से आप इसको मसलेंगे उतना ही आपका जो रसमलाई है वो बहुत अच्छी बनेगी। और इसको मसलने में आपको 5 से 6 मिनट ज़रूर लग जाएंगे। खूब अच्छे से मसलिए इसको, ये दाने दाने इसके अंदर नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर हो जाना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं कि पूरे 5 मिनट हमने इसको मसला है। और ये देखिए अब ये डो फॉर्म में रेडी हो गया है। ये देखिए पहले जो था ये दरदरा था, और अब जितना इसको आप अच्छे से मसलेंगे उतना ही जो आपकी रसमलाई है वो बहुत सॉफ्ट बनेगी। और अब हम क्या करेंगे कि इसकी छोटी छोटी बॉल्स, यानी जितनी शेप की आपको रसमलाई चाहिए उतने साइज़ का हम इसका बॉल ऐसे ऐसे गोल बनाएंगे, और उसके बाद हम इसको हल्का सा ऐसे प्रेस कर देंगे। और ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये जब हम इसको बॉईल करेंगे तो ये फूलेगी भी। तो हम इस तरीके से अपनी सारी बॉल्स रेडी कर लेते हैं। तो हमारी सारी रसमलाई हमने ये बॉल्स जैसी बना के रख ली है, और अब हम गैस पे चलते हैं जिस पे हमने वो पानी रखा हुआ था चीनी वाला। तो जो ये हमारा पानी है चीनी का, इसमें उबाल आना शुरू हो गया है, और अब हम इसके अंदर अपनी रसमलाई डालेंगे। और आप उतनी ही डालें जितना कि बड़ा आपका बर्तन हो, क्योंकि अगर आप खूब सारी इकट्ठे डाल देंगे तो उससे क्या होगा कि वो जो रसमलाई है उसको फूलने की जगह नहीं मिलेगी। तो मैं 5-6 डाल देती हूँ एक साथ। और यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, और इसको हम ढक्कन लगा के 10 मिनट तक अच्छे से उबलने देंगे। और जब तक ये उबल रहा है हम इसको साइड के चूल्हे में शिफ्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम एक पतीली में दूध लेंगे अपनी रबड़ी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारी जो रसमलाई है वो उबल रही है चीनी के पानी में, और यहाँ पे हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध ले लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं। और इसे एक बार हमने उबाल लिया था, अब मैं इसे दोबारा उबलने दूँगी ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए और थोड़ा सा रिड्यूस भी हो जाए। तो दूध हमारा उबल गया है, हमें इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बिल्कुल रबड़ी नहीं बनानी है इसकी। और क्योंकि जो रसमलाई का जो ये जूस होता है या जो सिरप होता है ये पतला ही होता है। और अब हम इसमें डाल देंगे ये बादाम चॉप्ड किए हुए, आप चाहें तो पिस्ता या अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे केसर भी डाल सकते हैं, अगर आप वाइट चाहते हैं तो आप एज इट इज़ रखिए, लेकिन अगर हल्का सा येलोइश जो मार्केट वाली जैसी होती है वैसा चाहते हैं तो आप केसर डालिए, या फिर आप थोड़ा सा फूड कलर, ये मैंने येलो फूड कलर लिया है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे बस हल्का सा, ताकि बहुत लाइट सा येलो कलर इसके अंदर आ जाए। और ये देखिए इसे हम थोड़ा सा और उबलने देते हैं, और तब तक मैं आपको ये रसमलाई भी दिखा देती हूँ। ये जो है इसको 10 मिनट हो चुके थे, और ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारी जो रसमलाई है ये फूल गई है। तो मैं आपको एक पीस निकाल के दिखा देती हूँ कि हमने कितनी छोटी बनाई थी, और ये देखिए कितनी बड़ी बन गई है। और इस अब हम इनको निकाल देंगे, और जो दूसरा बैच है हम उसको डाल देंगे इसके अंदर। तो दूध हमारा काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है, इसे हमने सिर्फ 20 मिनट तक के लिए उबाला है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी 3/4 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे ही चीनी घुल जाएगी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और जो ये हमने जो ये बनाया है जूस इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। और यहाँ पे मैं आपको अपनी तब तक रसमलाई भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इसे भी मैंने पूरे 10 मिनट तक के लिए उबाला था, और उसके बाद हमने इसकी गैस बंद कर दी थी। और अब इसे भी थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, और इसे भी थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो देखिए जो हमारी रसमलाई का जो ये रस है ये भी काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है, 10 मिनट भी हो चुके थे। और अब हम इसे एक बर्तन में डाल लेंगे। मैंने ये बर्तन लिया है, आप कोई सा भी बड़ा बोल ले सकते हैं जिसमें कि जो रसमलाई है वो आपकी टूटे ना। और ये सारा रस मैं इसके अंदर डाल दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे जो इलायची का पाउडर है वो भी आप डाल सकते हैं। और ये देखिए ये हमने डाल दिया है। और ये जो छेना है ये भी हमारा थोड़ा सा काफ़ी ठंडा हो गया हद तक, तो ये छेना भी हमारा ठंडा हो गया है, और इसे भी हम निकाल लेते हैं। बड़े ही आराम से आप इसको निकाल सकते हैं इस तरीके से, और हल्का सा, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं प्रेस करना है, थोड़ा सा मिठास इसके अंदर रहनी चाहिए। मैं आपको दिखा दूँ कितना स्पंजी बना ये। और इसको हम इसके अंदर डाल देंगे अपने रस के अंदर ऐसे, और बाकी छेने भी हम डाल देंगे इसी तरीके से। तो हमारी सारी रसमलाई सेट हो गई है, और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे तब तक ले जब तक ये अच्छी ठंडी हो जाएगी। तो 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी रसमलाई है वो कितने अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है, और इसने जो रस है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो गया है, छेना ने सारा रस पी लिया है। और चलिए अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारी रसमलाई बनके रेडी हो गई है, और कितनी सॉफ्ट और मज़ेदार बनी है ये, और काफ़ी स्पंजी भी है, सारा का सारा रस इसके अंदर तक घुस गया है। तो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बने रहिए मेरे साथ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए एवरी ट्यूज़डे एंड सैटरडे 2 PM। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।